हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट है, शी इज माय मदर इन लॉ। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा रेफरेंस दे दूं इस वीडियो का। तो मम्मी आई थी मुझसे मिलने के लिए और वो मेरे लेके आई स्पेशल लड्डू। और मम्मी, ये लड्डू इतने अच्छे हैं ना कि मैं हबी से शेयर नहीं करने वाली। प्लीज आप बुरा मत मानिए कि आपके बेटे को मैं नहीं दे रही। मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम ही खाओ इसे। थैंक यू मम्मी। आप तो समझ गए होंगे कि ये लड्डू मुझे बहुत टेस्टी लगे और मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी ऑडियंस के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर लूं। तो मम्मी से हम जानेंगे छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिसको फॉलो करके मम्मी ने ये स्पेशल लड्डू बनाए हैं और जो कोई भी खा सकता है, जो डाइट कर रहा हो या फिर तुम्हारी तरह प्रेग्नेंट हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। ज्यादा गर्म भी नहीं है कोई चीज इसमें और सब शुगर भी नहीं है, सब चीज जो है टेस्टी और अच्छी लगेगी। हाँ, तो मुझे यही लगा कि आपने जब बताया ना कि इसमें शुगर भी नहीं है, तो आई वॉज लाइक, आजकल बहुत लोग होते हैं जिन्हें शुगर की दिक्कत होती है तो वो भी ये खा सकते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं कि जो आपकी बोन्स के लिए और उसके लिए काफी अच्छे हैं। तो जैसे जो शुगर नहीं ले रहे तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उनको आगे फायदा करें और उनको हेल्प करें। यही तो बात है इस लड्डू की कि ये टेस्टी भी है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, और इसलिए ही मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे ऑडियंस के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो मम्मी, अब हम शेयर कर लेते हैं इसकी सीक्रेट रेसिपी अपने ऑडियंस के साथ भी। बिल्कुल। अच्छा मम्मी, अब आप ये बता दीजिए कि इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। इंग्रेडिएंट्स तो बेटा इसके बहुत सिंपल हैं। इसमें केवल मखाना है और थोड़े से काजू बादाम और अखरोट और किशमिश और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हनी। अच्छा। चलो मम्मी, आपने इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए, अब हम पूरी रेसिपी जानते हैं आपसे। तो स्टेप वन क्या है मम्मी? स्टेप वन तो बेटा मखाना ही है इसमें मेन इंग्रेडिएंट। तो मखाने को ड्राई रोस्ट कर लिया, क्योंकि घी तो तुम लोग यूज ज्यादा करते नहीं हो। हाँ, ये तो है मम्मी कि हम घी कम यूज करते हैं और आई थिंक बहुत सारे ऑडियंस के लिए भी यूजफुल होगा जो घी कम खाते हैं। घी फायदेमंद तो होता है बट ज्यादा घी भी अच्छा नहीं होता। तो अब हम जान लेते हैं मम्मी से स्टेप टू। स्टेप टू ये कि एक चम्मच देसी घी लेके उसमें मैंने काजू बादाम और अखरोट को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया, जिससे वो थोड़े से अच्छे अंदर से क्रंची हो जाए तो खाने में टेस्टी लगेंगे। इसके साथ ही हम लास्ट स्टेप थ्री की बात कर लेते हैं। हाँ, लास्ट स्टेप तो बहुत ही इजी है। जितना मखाना वगैरह है उसको सब थोड़ा सा क्रश कर लेना और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उनको हल्का सा मिक्सी में चर्न करके और उनमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो तुम लोगों को बहुत पसंद है हनी मिलाकर और बाइंड कर लेना है और उनको लड्डू की शेप दे देनी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान था। ये रेसिपी सुन के तो वापस से मेरा लड्डू खाने का मन हो गया। ले लेती हूँ थोड़ा सा लड्डू। वाह मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट टाइम भी आप कोई अच्छा सा डिश बना के लेके आना मेरे लिए। बिल्कुल, जो तुम कहोगे उसका मैं हेल्दी वर्जन ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू मम्मी। तो ये वीडियो तो अब इस रेसिपी के साथ ओवर होती है और क्योंकि मम्मी आई थी तो आपको थम्स अप तो देना ही चाहिए इस वीडियो को। एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ताकि और भी अमेजिंग कॉन्टेंट आप इस तरह के देखते रहो। और इसी के साथ हम लोग बोलना चाहेंगे आप लोगों को बाय।